व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप? आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप अमेजोन से शॉपिंग करते हो और आप चाह रहे हो कि आपने अभी तक अमेजोन के पे कितना खर्चा किया है वो आपने चेक करना हो, तो वो कैसे चेक करेंगे वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप डायरेक्ट अगर एक एक ऑर्डर को चेक करने लगोगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो इसकी जगह पे यहाँ पे एक एक्सटेंशन है, अवेलेबल है, जो आपको बताएगा कि आपने अभी तक कितना खर्चा किया है वो यहाँ पे आपको बता देगा। ठीक है, चाहे उसमें आपके ऑर्डर हो, चाहे आपने कोई रिचार्ज किया हो, या कोई आपने बिल पेमेंट की हो, या कोई फ़्लाइट बुक की, होटल बुक किया, जो भी अमेजन से आपने किया है वो सारा सब कुछ आप पे यहाँ आ जाएगा। तो वो कैसे करना है वो हम यहाँ पर देखते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, अपने अमेजन के अकाउंट में जाना है और इसको लॉगिन कर लेना। तो सबसे पहले अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे ही आप साइन अप कर लेते हो, अब इसके सॉरी साइन इन कर लेते हो, इसके बाद आपने वो एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है। तो उसका मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करते ही डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाओगे उसकी वेबसाइट पे और वहाँ पे ऐड कर पाओगे। अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कैसे करना है। आपने यहाँ पे मोर टूल्स पे जाना है और एक्सटेंशंस पे जाना है, और वहाँ पे जाने के बाद आपने यहाँ पे आना है और फिर से करना है ओपन क्रोम वेब स्टोर। यहाँ पे बहुत सारे एक्सटेंशंस होती हैं जो अपने यहाँ पे दिखेंगी, आप इनका यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने लिखना है अमेजन स्पेंडिंग। तो ये वो एक्सटेंशन है, यहाँ पे मैं इसका लिंक दूंगा तो आप डायरेक्ट इस पेज पे पहुँच जाओगे और अपने ऐड टू क्रोम कर देना है। सिंपली एड एक्सटेंशन आपने क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हमने इस आइकन पे क्लिक करना है, ये एक्सटेंशंस होते हैं और ये यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखने लग जाएगा। अब हम इसको पूरा क्लोज कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है हमारे ऑर्डर्स वाले पेज पे, हमने यहाँ पे ऑर्डर्स पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने क्लिक करना है एनालाइज टोटल स्पेंडिंग। इस पर क्लिक कर दे, आपका एनालाइज कर देगा कि आपने कितना खर्चा किया हुआ है। ये दोनों के लिए काम करता है, फ्लिपकार्ट भी हो या अमेजन भी हो। फ्लिपकार्ट की मैं अलग से दिखा दूंगा आपको वीडियो बना के। ठीक है, तो अभी तक जैसे मेरा जो यहाँ पे स्पेंडिंग है वो 356899 ये हुआ है। इसमें यहाँ पे सब कुछ है, जैसे कि आपने कितना यहाँ पे रिचार्ज किया है, फ़्लाइट बुक किया है, या फिर जैसे जो जो ऑर्डर्स किए हैं, ठीक है, वो सारा सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने मोस्टली किया है वो ये दिखा रहा है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। वैसे लगभग मुझे नहीं लगता कि ये मतलब जैसे 100% एक्यूरेट है, लेकिन फिर भी ये लगभग लगभग अपना रहा, इतना तो हो ही गया होगा क्योंकि मैं काफ़ी सालों से अमेज़न को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब लमसम आपको पता चल जाता है कि भाई मेरे 350 3 लाख रुपये लगे हुए हैं, तो ऐसे आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे आप इसको देख सकते हो। तो मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। चलो ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आई होप।